स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टि हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, सांझापुर, आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, औरैया, बुलंदशहर, पीलीभीत, संभल और लखीमपुर खीरी, इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। एक सौ इक्कीस में से 6 मृतक ऐसे थे जो अन्य राज्यों से थे, जिनमें ग्वालियर मध्य प्रदेश से एक थे, हरियाणा से 4 थे और राजस्थान से 1 थे। हाथरस के जिला हॉस्पिटल में मैंने जो घायल हैं, 31 ऐसे घायल हैं जो हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा के हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है और उसमें लगभग सभी आउट ऑफ डेंजर है। हादसे के बारे में जो वहां के चश्मदीद हैं, जो इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत जब इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई, तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफला आया था, तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा, तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की, तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में
एक एसआईटी गठित की है जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना के तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे और मैंने यहां पर भी हाथरस में भी और सिकंदरा राव के घटनास्थल का मैंने दौरा किया, यद्यपि वहां काफी बारिश थी और वहां जाकर के मैंने एक बार उसको देखने का प्रयास किया है। यद्यपि प्रशासन ने पहले से इसके मैप भी बना के तैयार किए थे और भेजे भी थे, लेकिन हादसे के कारणों की प्रारंभिक व्यवस्था देखी जा सके इसको देखने के लिए वहां पर मैं स्वयं गया था और हमारे तीन मंत्री यहां पर कल से ही कैंप कर रहे थे। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी यहां पर कल से ही कैंप कर रहे हैं। सीनियर अधिकारीगण भी यहां पर, पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण यहां पहले से ही कैंप करते हुए इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग जनपदों में उनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी और प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह यहाँ की घटना के बारे में था और जुडिशल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएगी। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से
आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसके तो हमें जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। देखिए, प्रशासन प्रथम दृष्टया ये मान के चलता है कि धार्मिक आयोजन है, उनके सेवादार इस प्रकार के आयोजनों की जिम्मेदारी अंदर से स्वयं निभाएंगे। और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ऐसा नहीं कि ना होते हो, सावधानीवश वहां पर फोर्स प्रशासन तैनात करता है, लेकिन आउटर रिंग में उनकी फोर्स होती है। अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वयंसेवक के सेवादार ही इस पूरे व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और जहां पे भीड़ अनुशासित होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक श्रद्धा भाव के साथ लोग जहां आते हैं वहां पर भीड़ अनुशासित भी रहती है, लेकिन जब वही कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है तो वह अनुशासनहीनता का नजारा वहां पर भी देखने को मिलता है। और इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है, और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है, लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना यह चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे, और इसीलिए हम लोग इसके पहले चाहिए। और मैं इस बात के लिए आपको इस बात के लिए मैं कह रहा हूं ना कि मैंने इसीलिए जुडिशियल कमीशन के बारे में राज्य सरकार ने इसको तय किया है, हम इसके तहत निष्कर्ष पर आएंगे। और इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हम लोग करते रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई इस प्रकार की चीजें नहीं आई है। और मुझे लगता है हम लोगों ने इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हमेशा किए हैं, कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि